नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई झड़पों को लेकर कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार पर जुबानी हमले जारी रखे हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने शाह से राहुल गांधी की सुरक्षा के बार बार खतरे में पड़े रहने की बात कही है। उन्होंने इसे लेकर असम पुलिस पर भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी में कहा कि मणिपुर से मुंबई के लिए 14 जनवरी को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के असम पहुंचने के बाद कुछ ऐसे मौके आए जब असम पुलिस जेड प्लस सिक्योरिटी पाए हुए राहुल गांधी की सुरक्षा में आना चाह रही थी। खड़गे ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश से जब कांग्रेस की यात्रा वापस असम के सोनितपुर जिले में आई, तब वहां के स्थानीय सुपरिटेंडेंट, जो कि सीएम शर्मा के भाई भी हैं, ने भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस की यात्रा पर हुए हमले को किसी दर्शक की तरह देखा। खड़गे ने आगे कहा कि इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के साथ पार्टी के महासचिव जयराम रमेश के साथ झड़प की और उनकी कार पर भी हमला कर दिया। इन लोगों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ नारेबाजी की और वाहनों पर लगे यात्रा के पोस्टर तक फाड़ दिए। खड़गे ने कहा कि 22 जनवरी को नगांव जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जब राहुल गांधी के बेड़े को रोक लिया, जिससे उनकी सुरक्षा के लिए एक बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। इन सब चौंकाने वाली घटनाओं के बीच जब जब भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी के करीब आए, तब तब असम पुलिस दर्शक बनी खड़ी रही, जिससे कुछ शरारती तत्व लगातार राहुल के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश करते रहे। खड़गे ने अमित शाह से मांग की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और यह सुनिश्चित करें कि यात्रा तैयारी के तहत आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मामले में केंद्रीय गृह मंत्री का दखल जरूरी है, ताकि यात्रा के साथ ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए जिससे राहुल गांधी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल लोग, कोई कार्यकर्ता चोटिल हो। आपको क्या लगता है, असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर खड़गे की अमित शाह को लिखी चिट्ठी क्या राजनीति का एक हिस्सा है या फिर वाकई में राहुल गांधी की सुरक्षा पर खतरा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।